आज हम बनाने वाले हैं काले चने की सब्जी। देखिए इसका कलर कितना अच्छा है और यकीन मानिए इसका टेस्ट भी काफी अच्छा है। तो चलिए शुरू करते हैं। काले चने की सब्जी बनाने के लिए मैंने चनों को 7 से 8 घंटों के लिए भिगो कर रखा था। सब्जी बनाने के लिए हम लेंगे 2 प्याज, 2 हरी मिर्च और 2 टमाटर। हमें 1 या 2 आलू लेना है और उसे कुछ इस तरीके से काट लेना है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। खड़े मसालों में मैंने लिया है जीरा, साबुत लाल मिर्च और 2 तेज पत्ते। अब हम कुकर में थोड़ा सा तेल डालेंगे और तेल को गर्म होने के बाद हम इसमें अपने खड़े मसाले डालेंगे। आप देख सकते हैं ये खड़े मसाले भुन चुके हैं। अब हम इसमें मिर्च और प्याज डालकर अच्छे से भून लेंगे। देखिए ये प्याज कैसे अच्छे से भून चुके हैं और अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। टमाटर डालने के बाद इसे 2 से 3 मिनट तक हमें भुनना होगा और इसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक। नमक डालने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे आलू और चने। चने और आलू डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिला लेंगे और ऐड करेंगे मसाले, आधी चम्मच हल्दी, आधी चम्मच लाल मिर्च, 2 चम्मच धनिया पाउडर। मसालों को ऐड करके इसके बाद हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। देखिए कुछ इस तरह। हमें सभी चीजें डालने के बाद थोड़ी देर इसे फ्राई करना है, जब तक ये तेल ना छोड़ दे। तेल छोड़ने का मतलब है हमारे मसाले अच्छे से पक चुके हैं। आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से पक चुके हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। पानी ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिलाएंगे और 3 सीटी लगा देंगे। उसके बाद हमारे चने बनकर रेडी हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि चने बनकर तैयार हो चुके हैं। तो है ना ये बिल्कुल आसान सी रेसिपी। तो जल्दी से जाइए, आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।